हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। डेली वाली बात है, सेम द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और हम हैं और आप हैं, बस डिस्कस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी डेफिनेटली, आई एम एश्योरिंग यू। एंड आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप अपने एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सेंटर, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ सेंटर। कीन, उत्साही, ज़्यादा उत्सुक। टू एक्सपेंड, एक्सपेंड फैलाना, इलोंगेलेट करना, बढ़ाना। ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसको क्रेडिट गारंटी, मतलब उसको लोन चाहिए, उसके लिए गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट दे रही है। सी, कॉरपोरेशन होता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉरपोरेशन है। कवर टू दी ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर ये कोमा लगा हुआ था, इसको मतलब ये प्लूरल फॉर्म में अपोस्ट्रोफी एस लगने नहीं लगता, एक्सपोर्टर के बाद ऐसे लगता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका ग्रामर में। तो यहाँ पे बात की सेंटर उत्साही है एक्सपेंड करने के लिए। ECGC कवर टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, ज्वेलर एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये आगे प्रमोट करेंगे, तो ज्वेलरी प्रमोटर के लिए कर सकते हैं आगे। क्रेडिट कवर नाउ प्रोवाइडेड टू द बैंक्स फॉर द लोन्स, अब जो क्रेडिट कवर है, मान लो कोई लोन लेता है उसके लिए कवर क्या प्रोवाइडेड टू द बैंक्स फॉर द लोन्स गिवन टू द एक्सपोर्टर्स। क्रेडिट जो कवर चल रहा है, मान लो क्रेडिट कोई लेता है, लोन लेता है, उसका कवर करने के लिए प्रोवाइडेड टू द बैंक्स, बैंक्स को दिया जाता है फॉर लोन्स गिवन टू द एक्सपोर्टर्स, जो क्योंकि बैंक लोन देते हैं एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए क्रेडिट कवर गवर्नमेंट दे रही है। मे बी एक्सपेंडेड, ये मे बी मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मे बी एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंड किया जा सकता है। देखो पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो या तो पैसिव फॉर्म में बात होते हैं या तो ये मे बी एक्सपेंडेड, एक्सपेंड हो सकता है फ्यूचर में, मे बी एक्सपेंडेड, जैसे टू बी डन होता है ना, ये काम होना है, तो ये मे बी एक्सपेंडेड हो सकता है टू डायरेक्टली। डायरेक्टली इंक्लूड इंडिविजुअल एक्सपोर्टर, डायरेक्टली मतलब सीधा इंडिविजुअल एक्सपोर्टर को पैसे चले जाएंगे, क्रेडिट गारंटी मिल जाएगी। एंड पीयूष गोयल एड्स इंडिया कैन बी ए वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग मतलब होता है जोड़ने वाला, वैसे वेडिंग शादी भी होता है, तो ये कह सकते हैं पीयूष गोयल एड्स इंडिया कैन बी ए वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड, ये सबको जोड़ने वाली डेस्टिनेशन हो सकती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स, देखो तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं यूनियन कैबिनेट, यूनियन मिनिस्टर में यूनियन मिनिस्टर, आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर होते हैं उसमें एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और थर्ड होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो उनमें से ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ऑन थर्सडे, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, सेड दैट सेंटर वाज कीन टू एक्सपेंड, सेंटर बहुत उत्साहित था एक्सपेंड करने के लिए। ECGC जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कवर, जो कवर दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, नाउ प्रोवाइडेड टू द बैंक्स टुवर्ड्स द क्रेडिट, अब नाउ प्रोवाइडेड टू द बैंक्स, अभी जो क्या है प्रोवाइडेड हो रहा है टू द बैंक्स टूवर्ड्स द क्रेडिट एक्सटेंड टू द एक्सपोर्टर, जो कि भाई एक्सटेंड कर रहे हैं अपने लोन को, क्रेडिट को, या जो एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, तो इसलिए उनको दिया जा रहा था। टू द इवन इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स ऑफ द जेम्स एंड ज्वेल्स, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं, अब इंडिविजुअल को दिया जाएगा। वी हैव नाउ स्टार्टेड गिविंग ECGC कवर फॉर द होल टर्नओवर, होल टर्नओवर मतलब जितनी कमाई होती है, जितना टर्नओवर होता है उनका, पूरी कमाई जो संपत्ति अर्जित होती है उनके पास, दैट द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री मस्ट बी हैविंग, मस्ट बी हैविंग, जो इनके पास होती है, हैविंग मतलब रखना, हैविंग अभी राइट नाउ जितना टर्नओवर है उनके लिए दे देंगे। दे आर राइट नाउ गिवन टू द बैंक्स, अभी बैंक्स को दिया जा रहा है। हु आर लैंडिंग मनी टू यू, जो लैंडिंग पैसा देते हैं आपको। आई एम कीन टू एक्सपेंड, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ एक्सपेंड करने के लिए। द मिनिस्टर्स, इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। मिनिस्टर टोल्ड ए गैदरिंग ऑफ द जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, ये गैदरिंग थी, एक सम्मेलन हो रखा था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत कीन हूँ आपको एक्सटेंड करने के लिए जो ECGC सिस्टम है, कवर है। द मिनिस्टर सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी हैविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ECGC, मिनिस्टर ने सजेस्ट किया, सजेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। द फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी हैविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ECGC, द गवर्नमेंट एंड द जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर प्रमोशन काउंसिल, द गवर्नमेंट एंड द जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक
काउंसिल बना रखी है, मतलब कुछ मेंबर्स की, जिसमें डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा जा सके, क्योंकि आपको पता है गुजरात में बहुत आर्टिफिशियल जेम्स एंड ज्वेलरी बनते हैं, दैट फ्रेम ए मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्टर्स। ये फ्रेम करेंगे मैकेनिज्म को, ऐसे एक चीज़ लेके आएंगे, एक तरीका लेके आएंगे फॉर एक्सपोर्टर्स टू अवेल क्रेडिट कवर, ये क्रेडिट कवर अवेल कर सकते हैं। इट कैन हैपन इफ द इंडस्ट्री वुड प्ले ए, इट कैन हैपन ये हो सकता है, इट कैन हैपन हो सकता है इफ इंडस्ट्री प्ले करती है, यदि वुड प्ले ए प्रोएक्टिव रोल, अगर मान लो एडवांस लेवल में जाके प्रोएक्टिव, पहले से ही जो काम कर देता है उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं, प्रोएक्टिव रोल एन एसोसिएशन गेट इन्वॉल्व हियर, अगर एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली प्रोएक्टिव काम होगा और जो ये काउंसिल है ये साथ में मिलकर काम करेंगे। इफ वी वर्क इन कोलोबरेशन, अगर मान लो साथ में मिलकर काम करें, वी कैन मेक दिस इंडस्ट्री एक्सपेंड एंड ग्रो, द वे फॉरवर्ड इज, जो मतलब एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई वे फॉरवर्ड इसका रास्ता क्या होगा, इज टू बिकम $100 बिलियन इंडस्ट्री इन एक्सपोर्ट ही एडिड, तो $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री हम बनाना चाहते हैं। द मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट कम्बिनेशन ऑफ द फैशन एंड ज्वेलरी कैन मेक इंडिया ए प्रीफर्ड वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड। ये प्रीफर्ड मतलब यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कम्बिनेशन हो सकता है फैशन एंड ज्वेलरी का यहाँ पे, और इंडिया मतलब वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड, यहाँ पे आदमी आएंगे और शादी करके चले जाएंगे, ये यहाँ पे है। तो वेड का मतलब दो है, एक तो शादी करना भी होता है और एक जोड़ना भी होता है, तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ आदमी शादी करके भी आएंगे और एक मतलब आदमी को जोड़े भी गए, ये कुछ भी लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। अगर इसको मतलब आप जो उसका कंटेंट है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे पॉइंट के हिसाब से ये पहले की भाई यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या कहा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने एक्सप्रेस किया कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि गोयल ने मेंशन किया है ईसीजी कवर नाउ प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर टर्नओवर के लिए मिल जाएगा, जो जितना पूरी कमाई होती है उनकी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि नीड फॉर द इंडस्ट्री कोलोबरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एसोसिएशन, इसके लिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसोसिएशन चाहिए, कोलोबरेशन चाहिए टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स इन अवेलिंग द क्रेडिट कवर, ताकि क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को भी क्रेडिट कवर मिले।